नमस्कार, दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ शो में होंगे शिल्पा राउत और राजेश सतपुते, जो पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। मार्केट हाइस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह और पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट करेंगे खास बातचीत। MSCI में होने वाले बदलावों पर यत्न को भी जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये इस समय मार्केट में जो आज हमारे गेस्ट होंगे उनका एक आपको प्रीव्यू दिया हमने। अब जरा बात करते हैं मार्केट की इस समय, और एक बात स्टॉक लेकर आइए जरा भारती एयरटेल का इस समय। और क्यों मैं भारती एयरटेल की बात करना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट में इस समय स्ट्रेंथ पर फोकस है। क्लियरली जहां पर स्ट्रेंथ है वहां लोअर लेवल से अच्छी बाइंग। ये देखिए भारती एयरटेल किस तरीके से घूमा स्टॉक। और ध्यान रखिए आज का जो AGR का आउटकम जो भी आएगा वो भारती के लिए पॉजिटिव होगा। अगर रिविजन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मार्केट फिर कहेगा कि भारती के लिए खराब आइडिया के लिए खराब है तो भारती के लिए अच्छा है। तो उस तरीके से यहाँ पर अच्छा मूव है। टाटा केमिकल्स अभी पिक किया गया था, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। अब डे हाई पर टाटा केमिकल्स बढ़ता हुआ। उसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, इपका, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, सिंजेन, सन फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ FMCG नाम हैं जहाँ पर बाइंग शुरू हुई है, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, पॉलीकैप। तो कुल मिलाकर मार्केट ठीक ठाक है। निफ्टी 25,228 पर, बैंक निफ्टी 51,370 पर। बिरू जी हाँ, ये अब तक की छोटी सी समरी थी बाजार में क्या हुआ। चाहे मेहमान शिल्पा राउत, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और अमोल अथावले और सुदीप शाह हमारे साथ SBI सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। नमस्कार मीनू जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जहां पे ब्रेकआउट आ सकता है, पिछले 5-6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, आज हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो है पॉलीकैप। पॉलीकैप में यहां पे मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से एक बड़ा अपना हमने देखा था ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके जून तक आया था, उस तरफ स्टॉक करेक्शन में चला गया था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बट पिछले कुछ समय से देख रहे हैं थोड़ा राइजिंग बॉटम बन रहा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 67.40 का, और ऑन द अपसाइड टारगेट रहेंगे 7,000 से लेके 7,050 के अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। दूसरा मेरा पिक है टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 31 जुलाई के बाद के हाईएस्ट लेवल पे अब स्टॉक आ रहा है, और एक पूरा जो कंसोलिडेशन फेज में था 5,000 और 5,350 के बीच में, वहां से हमने आज एक ब्रेकआउट देखा है और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक ये 54.30 का लेवल होल्ड करता है, 56.50 के लेवल्स आ सकते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर। सो मेरी राय रहेगी ये 54.30 के स्टॉप लॉस से बाय करके 56.30 और 56.80 के दो टारगेट से। ओके शिल्पा जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की क्या रहेंगे फ्रेश? मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बैंक में से CUB पे ध्यान दे सकते हैं। CUB 170 के ऊपर एक अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट है, यहाँ से 185 के टारगेट्स आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे 175 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, जहाँ पे जो ट्रेड कर रफली अभी 5.40 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3.5 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 9 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 12 के भी आएंगे। जो रहेगा आई विल गो विद सिंजिन। सिंजिन ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है 860 के ऊपर, इस स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, इट कैन डू 900 से लेके 930। तो सिंजिन मेरा बाय रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 855 इन फ्यूचर फॉर टारगेट्स ऑफ 900। ओके सिंजिन 870 पे आज सबकी जुबान पे जो है वो सिंजिन चढ़ा हुआ है। बात करते हैं अब अमोल अठावले से। अमोल जी, क्या पिक कर रहे हैं आप, दो ट्रेड अपने? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से SRF अच्छा लग रहा है, 2565 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2700 तक के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2500 का। प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन, एक स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा था और हायर हायर लोस फॉर्मेशन है, और अबाउट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। सो ओवरऑल टेक्सचर बता रहे कि आने वाले दिनों में ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो SRF में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा में एक कॉन्ट्रा बेट उसको बोल सकते हैं, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, एक DLF मुझे अच्छा लग रहा है, 838 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें 880-890 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस है उसका 818 का। चला नहीं है एक्चुअली अगस्त सीरीज में, मार्केट में बाउंस बैक हुआ बट स्टॉक में इतना रैली हुआ नहीं है। अच्छे सपोर्ट लेवल पे रिवर्सल अगर होता है तो ये सेटअप बता रहा है कि आने वाले दिनों में DLF में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है।
ओके आप चलते हैं राजेश सतपुते के पास और उनकी कॉल्स लेते हैं समय की। राजेश जी आपने क्या पिक किया? अनुज देखिए नजर फार्मा पे, मुझे लगता है फार्मा में अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, तो डिवीज लैब देखिए। डिवीज लैब में क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, आज लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 5050 का, और चार्ट देख के लगता है कि कम से कम जाएगा 5250 से लेकर 5300, तो एक बड़ा टारगेट मुझे लगता है डिवीज लैब में आज ब्रेकआउट के बाद अनफोल्ड हुआ है, तो इट्स अ बाय इन डिवीज। एट द सेम टाइम जो दूसरा फार्मा पिक रहेगा दैट विल बी लॉरस लैब, यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है, मैंने देखा 450-460 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है और इसी लेवल से घूमता है, तो लॉरस लैब इज अ बाय, टारगेट 480 रहेगा, स्टॉप लॉस डेज लो का रखेंगे 458 का। ओके तो यहाँ पे लॉरस लैब, आज फार्मा में बहुत सारी पिक्स आ रही हैं। इस बीच वो जो SRF की बात हो रही थी बार बार, फाइनली SRF इस रेंज से बाहर निकलता हुआ, मैं रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट 27 अगस्त का स्विंग हाई को बाइसेक्ट करता हुआ, आपकी राय शिल्पा जी SRF पर? बिल्कुल SRF यहाँ पर मुझे लगता है 2630 से 2650 के लिए एक अपसाइड पोटेंशियल है इसमें, लेकिन यहाँ पे आपको डिक्लाइंस पे अगर ये मिले 2540 2530 तो भी आप बाय कर सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस आप 2520 का रखिए, यहाँ पे 2630 से लेके 2700 तक के भी अपसाइड आपको मिले। ओके चलिए आप एक काम करते हैं, बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह, जिनके पास 2.5 दशक का मार्केट का तजुर्बा है, देश के जाने माने फंड मैनेजर्स में जाने जाते हैं, और इनका एक स्मॉल कैप फंड जो है वो देश के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक है। ताहिर जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि इस समय मार्केट में क्या थोड़ा पैसा मिड और स्मॉल कैप से निकाल कर थोड़ा लार्ज कैप में लगाया जाए, ये सवाल काफ़ी टाइम से वैसे पूछा जा रहा है आई एम श्योर, लेकिन फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या इन लेवल्स पर एक सेंस बनती है कि थोड़ा लार्ज कैप पर कंफर्ट लिया जाए? अनुज जी ऐसा है कि मतलब कोई फोर्स्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ अगर देयर इज रैशनल अगर केस बनता है वे कहीं कुछ ऐसे लार्ज कैप्स है जहां पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई दे रही है या मार्जिन एक्सपेंशन या जो भी है उसकी एक अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर दिखाई दे रही है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर मिड कैप्स तो या स्मॉल कैप्स, तो मुझे लगता है डेफिनेटली करना चाहिए। तो हमारा रुझान इसी तरह से रहता है कि हम देखते रहते हैं कि मतलब लार्ज कैप्स में अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है इट कुड बी इन एनी सेक्टर फॉर दैट मैटर, और अगर वो शायद किसी मिड कैप या स्मॉल कैप से ओवरऑल बेटर लगती है तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट, बट ऐसे जरूरी नहीं है सेफ्टी के लिए मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए, बट आई थिंक इफ इट इज इन जनरल अ बेटर अपॉर्चुनिटी तो यस व्हाई नॉट। ओके इस समय फिर ताहिर जी आप कहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पैसा तो लगातार आ ही रहा है म्यूचुअल फंड्स को, और एक क्लियरली इस समय सब इक्विटीज ही चेज कर रहे हैं, तो आप कहां इस समय फ्रेश पैसा लगा रहे हैं? तो देखिए जो अभी जो नीति रही है फॉर द लास्ट 3 to 6 months के अगर हम बारबेल अप्रोच के हिसाब से अगर चलते हैं तो वैल्यू और ग्रोथ दोनों एंड्स पे हम ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इस तरीके से एक पोर्टफोलियो में बैलेंस लाने की भी एक बैलेंस की भी एक फाउंडेशन बन जाती है। आई थिंक अभी रिसेंटली जो हमने कुछ सेक्टर्स जहाँ पे हमने थोड़ी और ज्यादा वेटेज बढ़ाई होगी वो है टेक्नोलॉजी और फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी, वो एक दो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हमने कुछ वैल्यू हमें नजर आई है, वहाँ पे भी हमने कुछ हद तक परफॉर्मेंस देखा है और शायद वहाँ पे भी अब वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आई मीन कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट ऑन अ रिलेटिव बेसिस वो फिर भी हमें अपील करता है, तो आई थिंक दैट इज वेयर कुछ इंक्रीमेंटल निवेश वहाँ पे ज्यादातर हमने डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा ताहिर जी इस वक्त पूरा बाजार, इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं, वो निफ्टी बैंक की इस आई थिंक बहुत ही कोल्ड बिहेवियर से परेशान है, बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं? अब हमने लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स देखे और आपका व्यू क्या है, और स्पेशली ये जो जो ये साइडवेज मूवमेंट है ना ये और खल रहा है एक ऐसे उस समय में
जब एनबीएफसीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, आपका व्यू क्या है रेट सेंसिटिव्स में, फाइनेंशियल्स में इस वक्त? एनबीएफसीज पे आपका दाव है या फिर बैंक्स पे आपका दाव है? बैंक्स में भी मिड कैप बैंक, लार्ज कैप बैंक, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज, क्या व्यू है आपका दोनों ही इधरों पे इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, फाइनेंशियल्स में एट एन एग्रीगेट लेवल, स्पेशली अगर बैंकिंग की बात करें या लेंडर्स की बात करें, तो बैंकिंग के अंदर बेसिकली एट वन लेवल मेन इश्यू मुद्दा मार्केट के सामने, जिसके कारण आजकल री रेटिंग रुकी हुई है, बेसिकली आपके जो डिपॉजिट्स की किल्लत जो है और डिपॉजिट्स की जो कॉस्ट है उसको लेके हुए हैं। अगर जैसे जैसे वो एड्रेस होती जाती है और उसके ड्राइवर्स अभी वेरी क्लियर नहीं है कि क्या ऐसा सिस्टम में चेंज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिपॉजिट्स विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर फॉर द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल, लेकिन मुझे शायद फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि द प्रेशर जो पिछले 12 से 18 महीने के बीच में रहा है फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, एंड कुछ स्पेसिफिक रीजन भी रहे हैं उसके लिए एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टू द सेक्टर, आई थिंक वो थोड़े बहुत कम होते जाएंगे और उससे जो प्रेशर है वो भी थोड़े थोड़ा आगे जाके थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। तो वो एक ड्राइवर हो सकता है, एक ट्रिगर हो सकता है फॉर ओवरऑल वैल्यूएशंस टू स्टार्ट मूविंग अप। हालांकि उसके अंदर फिर अगर हम प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले कुछ रीडिंग हमारा ये रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज रिलेटिवली मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को जो एक लेवरेज मिलना था एज अ रिजल्ट ऑफ उनका जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज रहता है स्ट्रॉन्गर रहता है, वो उन्होंने ऑलरेडी पिछले 12 महीने में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे या हाई थे तब उन्होंने अपना ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर लिया है और कुछ हद तक अभी वो डिफरेंशियल या वो एडवांटेज उनके फेवर में अभी है नहीं। दूसरी बात यह है कि हम शायद आने वाले दिनों में रेट कट की पॉसिबिलिटी अब बढ़ती जा रही है ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, अगर वो होता है तो शायद यू नो वो जो रिलेटिव डिफरेंशियल है उनके लिए एडवांटेज जो बना रहा वो शायद अब न रहे। तो इसलिए आई थिंक एक हद तक प्राइवेट बैंक्स हमें ज्यादा पसंद है। एट दिस स्टेज वैल्यूएशन में भी जो एक डिफरेंशियल था या गैप थी वो भी अब नैरो हो चुकी है और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों बकेट्स में लगभग सी सिमिलर दिख रही है। तो आई थिंक विद इन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कुछ हद तक अगर हम उम्मीद करें और रेट कट्स की संभावना अगर बढ़ती जाती है और रेट कट्स इवेंचुअली आ जाते हैं तो आई थिंक कुछ हद तक एनबीएफसीज के लिए भी पर भी थोड़ा यू नो उस पर भी अटेंशन रखना और उस पर भी थोड़ा आइडिएशन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नई आइडियाज यहाँ पे भी हम ला सकें। So I think NBFCs and private sector banks, that is where probably the opportunity lies or the game lies. अच्छा, जहाँ पे ताहिर जी पैसा काफी बन चुका है और price appreciation multiple times. I mean just put an instance of MCX, मतलब एक साल में ये 1500 रुपये का स्टॉक आज 5100 रुपये का है। मैं एक्सचेंजेस की तरफ आ रहा हूँ, डिपॉजिटरीज पे आ रहा हूँ, यहाँ पे पैसा अच्छा बना। क्या ये वक्त है अभी कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का या फिर यहाँ पे जिस प्रकार की अर्निंग्स लाइंड अप हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए वो इस प्राइस को मैच कर लेंगे, आपका व्यू उस वक्त? नहीं, डेफिनेटली आपका आपका कहना सही है कि अब ये कुछ जो हम नॉन फाइनेंशियल्स नॉन लेंडिंग वाले जो फाइनेंशियल्स थे उस पर पिछले साल हमने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन रखा, उसका वेटेज भी हमने बढ़ाया, उससे हमें बेनिफिट भी हुआ है। फिर उसके बाद एक ऐसा फेज भी आया जहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को करेक्ट भी होते हुए देखा, कैपिटल मार्केट्स से जुड़े हुए जो रिलेटेड स्टॉक्स है, चाहे वो ब्रोकर्स हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, एक्सचेंजेस हो, स्पेशली इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2024 हमने वहाँ पे एक करेक्शन भी देखा। और सब्सिक्वेंटली जब कुछ हद तक वैल्यूएशंस वहाँ पे थोड़े कंफर्टेबल हो गए और जो रेगुलेटरी चैलेंजेस थे वो इतनी ज़्यादा ऊपर की नहीं आई जितनी मार्केट को शायद शंका थी, आई थिंक वो कुछ हद तक वापस वंस अगेन इन द लास्ट 2 months ये स्टॉक्स रिकवर भी हुए हैं। तो आई थिंक अब जो सिचुएशन बन रही है वो लगभग एक नो जोन में ये स्टॉक्स चले गए हैं। ग्रोथ स्टिल रीजनेबली डिसेंट, वैल्यूएशंस कुछ हद तक आगे निकल चुके हैं। सो आई थिंक एक आधा फुटप्रिंट हम बना के रख रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा यू नो ओवरवेट पोजीशंस बना के रखी थी स्पेशली पिछले साल या स्टार्ट ऑफ द ईयर पे,
तो हम अब थोड़ा कॉशियसली वहां पे चल रहे हैं। हालांकि वहां पे पोजिशनिंग जरूर है, लेकिन हमारी जो एक्सेस वेट है वहां पे हमने उसको थोड़ा बहुत ट्रेड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश की है। अच्छा ताहिर जी, अब इस समय एक ऐसी स्पेस जिसने बहुत पैसा बनाया, उस पर क्या हुआ? डिफेंस, आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स हैं क्या? और अगर हैं तो इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं वहाँ पर? अभी देखिए अनु जी, एज फार द डिफेंस इज कंसर्न, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जैसे हम सबको पता है कि दी अपॉर्चुनिटी इज स्टिल प्रीटी लार्ज एंड अट्रैक्टिव है। मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि हमारे पास पोजिशनिंग काफी अच्छी खासी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स। लेकिन ये जो हमने एक बड़ी वाइड स्प्रेड रैली देखी है अक्रॉस ऑल कंपनीज, अब शायद वो थोड़ा बहुत यू नो डिफरेंशिएट हो सकती है आगे जाके। ऑलवेज बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बनते हैं मार्केट में जहाँ पे एक सेक्टर पे अगर बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो सभी स्टॉक्स वो सेक्टर के अंदर उनकी वैल्यूएशंस बढ़ जाती है। बट सेकेंड फेज जब आता है तब यू नो मैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज, या अलग अलग साइकिल्स आपके सामने मैनिफेस्ट होती है, तो आपको उनको थोड़ा डिफरेंशिएटेड तरीके से देखना जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। जो चार पांच इम्पोर्टेंट फ्रंट लाइन डिफेंस कंपनीज है जो हमारे पास भी है उनकी ओनरशिप, अब इन सब में, इन बहुत सब में, लगभग सभी में हमने देखा है कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है या मार्जिन है वो डेकेडल हाईस पे चली गई है, और ऐसी मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत सालों में हमें देखने नहीं मिली है। तो आई थिंक और टॉप लाइन की जो प्रक्रिया रही है वो लगभग करीब करीब सिमिलर है कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन द पास्ट। अब जब हम असेसमेंट करते हैं तो बेसिकली ये है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे यू नो एग्जीक्यूशन शायद बेटर हो सकता है, या मार्जिन्स को रिटेन करने में उनको आसानी होगी। आई थिंक दोज आर देन इन दैट बकेट उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू द अदर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट, मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि डिफेंस में हर एक स्टॉक चल जाएगा। आई थिंक इट विल डिपेंड, इट विल बी लॉट मोर ग्रैनुलर, इट विल डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल कंपनीज हाउ डू दे एग्जीक्यूट, एंड दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू प्ले पे पे मोर अटेंशन गोइंग फॉरवर्ड। अब क्योंकि एक और टॉपिक जो डिस्कशन में है वो रेट कट, आईटी स्टॉक्स में कितनी रैली आपको लग रहा है फैक्टर्ड इन है अब इस समय, और कितना अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्मेंस हो सकती है? नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि हमने यू नो आईटी पे थोड़ा और पॉजिटिव व्यू हम डेवलप करते जा रहे थे ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स, और उसके शायद हमने नतीजा भी देखा है, एंड वी हैव सीन यू नो वैल्यूएशंस गो अप। तो जैसे आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि प्रेफर्ड सेक्टर जरूर है, लेकिन वैल्यूएशंस आर नॉट एज कंफर्टेबल एज व्हाट दे वर। हालांकि इट्स ऑल रिलेटिव नाउडेज, तो अभी कुछ ऐसे अगर सेक्टर्स है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है और जहाँ पे और भी ज्यादा वैल्यूएशन ऊपर है, तो शायद रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी स्टिल में होल्ड अप बेटर, इस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक रेट कट्स ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बहुत सारी ऐसे ग्रोथ सेक्टर्स है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स है, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, वो थोड़े बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम में डेफिनेटली उनकी वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिल जाता है। आई थिंक समथिंग सिमिलर कैन हैपन इन द टेक सेक्टर एज वेल गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली अगर ग्लोबल जो हम समझ रहे हैं और पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स की नीचे आने की संभावना डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। एंड ये भी है कि साथ में अलोंगसाइड इंटरेस्ट रेट ड्रिवन वैल्यूएशंस का एडवांटेज, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में शायद जो ग्रोथ साइकिल है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो आई थिंक हम टेक्नोलॉजी को अब सिर्फ डोमेस्टिक स्टैंड पॉइंट से ही नहीं देखते, आई मीन ग्लोबल स्टैंड पॉइंट से ही नहीं देखते हैं। वी आर नाउ स्टार्टिंग टू सी लुक एट टेक्नोलॉजी एज अ मोर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म, लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का लेवरेज कंज्यूमर या फाइनेंशियल सर्विसेज उन पे देख सकते हैं, एंड स्पेशली एंड फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो जो कंटिन्यूइंग आईटी सर्विसेज वगैरह है, और कुछ ऐसी कंपनियां जो शायद नए ट्रेंड्स जो है एआई, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा का बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो आई थिंक एक होलिस्टिक व्यू भी टेक्नोलॉजी पे लेने की जरूरत है, नॉट ओनली कन्फाइंड टू आईटी सर्विसेज। बट आईटी सर्विसेज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक साइक्लिकल रिकवरी ऑफ ग्रोथ आ सकता है, और शायद उसके साथ साथ देखिए ये हमेशा से ये कंपनियां
फ्रॉम अ बैलेंस शीट परस्पेक्टिव, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल परस्पेक्टिव, आप सबको पता है दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग. तो एक एनवायरनमेंट जब ग्रोथ का सामने दिखता है तो वैल्यूएशंस डू ट्रैवल अ लिटिल फर्दर, और दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी. अच्छा बताइए जी, क्योंकि आईटी की बात हुई, जब ग्लोबल सेटअप की बात हो ही गई है, मेटल्स पर आपकी रीडिंग क्या है? आप लोगों ने कितना परसेंटेज यहाँ पर डिवोट कर रखा है मेटल्स को? क्योंकि मेटल्स फ्रेंकली स्पीकिंग इस CY24 के इस पूरे फर्स्ट हाफ में, इवन आई थिंक जुलाई अगस्त में भी साइडवेज स्लाइटली विद नेगेटिव बायस रहे हैं. मेरे ख्याल से 6-7 महीने कंसोलिडेशन के नाम रहे. वो मूव जो ड्यूरिंग आई थिंक यूक्रेन रशिया वॉर जब ट्रिगर हुई थी मिड ऑफ 22 में जो शुरू हुई थी, वो सबसे बड़े कंसोलिडेशन के फेज में गुजर रहा है इस वक्त. मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? सो देखिए, मेटल्स में हमने बहुत ज्यादा मतलब पोर्टफोलियो में वेटेजेस हमने रखे नहीं है. हमने पिछले एक आध या लगभग मैं कहूँगा 2 साल से हम जहाँ पे मेटल प्रॉक्सीज के रूप में हमारा जहाँ पे फोकस रहा है वो कन्वर्टर्स पे ज्यादा रहा है. और प्योर मेटल ओरिएंटेड कंपनीज में कुछ हद तक अल्यूमिनियम को हमने प्रेफर किया है. देखिए, अभी पिछले 6-8 महीने में या 1-1.5 साल में मैं कहूँगा कि जो कमोडिटीज या मेटल कमोडिटीज में जो हमने ट्रेंड देखी है वो ये है कि स्टील फॉर एग्जांपल जो ग्लोबली एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, वहाँ पे मतलब थिंग्स हैव बीन नॉट मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू स्टील, वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी नहीं है. तो फैक्टर्स जो इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो टू सम एक्सटेंट आर सिमिलर, सम एक्सटेंट दे आर ऑल्सो डिफरेंट. बट बेसिकली जैसे हम चाइना के प्रभाव के बारे में हमेशा बात करते हैं, जो मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो चाइना के स्लोडाउन का प्रभाव शायद स्टील पे ज्यादा रहा है. एल्यूमिनियम और कॉपर और जो बाकी सब निकल वगैरह जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज है उस पर ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हैज बीन देयर ऑन दीज एक्सचेंजेस और एज लाइक एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स. तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखाई दिया है. एंड शायद कुछ ये सेगमेंट, ये जो नॉन फेरस मेटल्स है उनका डिमांड शायद कंजम्पशन से थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ, तो इसलिए इवन फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव इतनी ज्यादा हमें वीकनेस नहीं दिखाई दी है. तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा रहा, बट वहाँ पे भी हमने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखी है और ऐसा कोई अब यू नो आप प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से देखे या एल्यूमिनियम की प्राइस देखे या कॉपर की प्राइस देखे तो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा अपसाइड अब शायद नजर आ रहा है एट दिस स्टेज. एंड स्टील की बात करें तो स्टील में अभी भी जो जो कैपेसिटी का इन्फ्लुएंस है स्पेशली कमिंग आउट ऑफ चाइना, उसका असर कंटिन्यूस टू रिमेन. सो एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस ही रही है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में हमने जरूर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश की. ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे आपने हमसे खुल के बातचीत की, अपना व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड. चलते हैं अब इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और अब चलते हैं एक और व्यू जानने के लिए. हमारे साथ श्री दिलीप भट्ट, फाउंडर पेडिग्री एडवाइजरी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं. दिलीप सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. और ये समृद्धि का सूचकांक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई 25,250 अब यहाँ तक आ चुके हैं और लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी काफ़ी अच्छी खासी चीज़ कर रही है इस वक्त. FIIs बहुत स्ट्रांगली कैश में, डेरिवेटिव्स में लॉन्ग है इस वक्त. सर आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त, कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं अभी हम इस रीसेंट मूव में? वीरेंद्र जी, आई थिंक मार्केट्स लगातार अभी हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ही जा रहा है और एक नया हाई बनाते जा रहा है. और इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि पैसे का जोर बहुत जबरदस्त है जो हम देख ही रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, और खास करके जो SIP में जो पैसा आ रहा है. तो जहां तक FII का सवाल है, उन्होंने बहुत बहुत बेचा था और अभी भी शायद मेरे हिसाब से ट्रेंड तो बहुत मिक्स्ड है. दे आर बाइंग ऑल्सो, दे आर सेलिंग ऑल्सो फ्यू डेज, दे आर बाइंग लाइक यस्टरडे, उनका बाइंग बहुत अच्छा था, अदरवाइज बाय एंड लार्ज दे आर सेलिंग ऑल्सो. बट ये सबको देखते हुए और ये सबको ध्यान में रखते हुए और ये भी देखते हुए कि वैल्यूएशन जिस तरह से चल रहे हैं, यहाँ पर भी कोई दो राह नहीं है कि वन हैज टू बी कॉशियस इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी ऑल नो कि सपोर्ट ऑफ मनी विल कैन टेक द मार्केट स्टिल हायर.
लेकिन यहाँ से एक सावधान जरूर रहना चाहिए, वन निड नॉट बी नरी। इतने दो तीन साल बहुत अच्छे कमा लिए, अभी थोड़ा बहुत साइड में रह के भी अगर हम देखें कि टाइम वाइज करेक्शन में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत इंडेक्स करेक्शन में मिलेगा, यानी मैं कहता कि करेक्शन की राह देखना चाहिए, बिकॉज करेक्शन नहीं भी आ जाएगा, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ से कि कोई खरीद ले और कोई बड़ा मिस आउट हो जाए, ऐसा भी नहीं लगता। वन शुड वेट एंड वॉच, वन शुड बी वेरी कॉशियस, और जहां तक मेरा मानना है ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेस्ड है। ओके अच्छा, कौन कौन सी पॉकेट सर अब आपको इस वक्त इंडिविजुअली बात करते हैं थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है, जहां लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आपको ठीक ठाक लगे और जहां पे मतलब प्राइस अभी भी मैच होना बाकी है अर्निंग्स को, एक दो पॉकेट जहां कंफर्टेबल हैं आप इस वक्त? देखिए अगर हम देखें कि रूरल डिमांड एक उसमें एक अच्छा अपटिक मिल सकता है, क्योंकि एक इन्फ्लेशन ईज हो गया है, बारिश बहुत अच्छी हुई है, और जिस तरह से गवर्नमेंट भी अभी फोकस लेके आ रही है कि रूरल पॉपुलेशन में उनको जरा अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है, जो शायद पिछले 4-5 सालों में इतना फोकस नहीं होगा, लेकिन अभी जो ज्यादा फोकस लग रहा है उसकी वजह से मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और वो सेक्टर में अगर हम फोकस करें तो कंज्यूमर स्टेपल्स बहुत ठीक लग रहा है कि ऑन अ रोटेशन, सेक्टर रोटेशन, ये एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर आई थिंक वाइट गुड्स सेगमेंट जो पिछले 3-4 सालों से बहुत मंदा चल रहा था, मुझे लगता है शायद यहाँ पर भी एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। ये दो सेक्टर पे जरूर ध्यान देना चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस, और ऐसा लग रहा है कि शायद ओवर नेक्स्ट 2-3 quarters ये दोनों सेक्टर शायद एक अच्छा रुख बता दे, अच्छा मोमेंटम भी दे जाए। ओके चलिए, तो यहाँ पे जिस स्पेस पे दिलीप सर कंफर्टेबल है थोड़ा सा उस पर हम बात करते हुए, ये एक स्पेस और आऊँगा सर मैं जिस पे आपसे बात करना चाहूँगा, मतलब रियल स्टेट पोस्ट बजट। आई थिंक जब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को विदड्रॉ कर लिया गया था तब, तो उसके बाद जब रिस्टोर कर लिया गया 2024 तक के लिए, बट स्टॉक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के मोड में चले गए उसके बाद से ही। अब रियल स्टेट अकेली कड़ी है, चाहे वो रियल स्टेट हो, उसके रियल स्टेट इंसले जुड़ी हुई है। आपने इस बार एस्टेल के नंबर देखे होंगे, एस्टेल के नंबर्स वीक थे, काउंटर की पिटाई भी काफ़ी हुई, देन वी हैव द एंटायर चेन ऑफ एचएफसीज एज वेल। ये तीन जो जुड़ी हुई अगर आप देखें कैटेगरी है सेक्टर्स की, इस पर आपका टेक क्या है? इसमें एक रियल एस्टेट में मैं यही कहूंगा कि अगर हम पिछले 40-50 ईयर्स में अगर देखें कि जब भी स्टॉक मार्केट्स में अच्छा बूम रहता है तो रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देने लगता है, और अगर हम रियल एस्टेट को देखें कि अभी भी एक अच्छा मोमेंटम में है, वेदर इन द प्रीमियम सेगमेंट और इन द मिड क्लास सेगमेंट एक अच्छे मोमेंटम में है ओवरऑल एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न। और अगर हमने ये भी देखा कि कितने सारे कंपनीज के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, उनके प्री सेल्स नंबर को देखें तो वो भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन सबसे खास बात हमको ये याद रखना चाहिए कि ये सब कंपनीज के कैश फ्लोज जो बहुत रियल एस्टेट में कभी भी एक क्वेश्चन मार्क हुआ करते थे, लेकिन अभी बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है ऑन द कैश फ्लोज, तो सब कंपनीज यही बात कर रहे हैं कि हमारा प्री सेल्स क्या हो रहा है और किस तरह से कैश फ्लोज अच्छे हो रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी फेवरेबल ट्रेंड फॉर द रियल एस्टेट, जिसकी वजह से इसमें री रेटिंग और ज्यादा इंटरेस्ट भी आने की उम्मीद है, तो रियल एस्टेट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे वोलेटिलिटी होते रहेगा, थोड़ा एक दो क्वार्टर मे बी द पिकअप इन सेल्स विल नॉट हैपन, लेकिन रियल एस्टेट लग रहा है कि ओवरऑल अच्छा ही रहेगा फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 years। और यहाँ पर स्टॉक्स में भी देखे तो आई फील दैट द स्टॉक्स रियली हैव अ गुड मोमेंटम है, और एक पॉइंट रियल एस्टेट में वो एक डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर एक अच्छा वैल्यूएशन दे रहा है रियल एस्टेट को, और काफी सारे रियल एस्टेट कंपनी अगर आपने देखे तो इसके बारे में बात करें, वेदर इट इज डीएलएफ, वेदर इट इज अनंतराज या फिर राहजालू को ले लो, तो ये सब बात करें कि दे विल गेट इनटू डेटा सेंटर और भी सारी कंपनीज। तो
रियल एस्टेट एज अ प्योर प्ले इज सर्टेनली गुड, बाकी उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स है आई थिंक सूनर और लेटर दे विल ऑल्सो पिक अप विच दे हैड डन वेल, बट अगर टेम्पररी थोड़ा बहुत भी उसमें स्लैकनेस है आई थिंक दैट विल बी मेगा. ओके, ये था रियल स्टेट पर दिलीप सर का व्यू. सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी सेक्टर्स के बाजार के वैल्यूएशन को लेकर अपनी बातचीत आपने अपनी बात रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर. फिलहाल इस कार्यक्रम दस कदम दार ट्रेड में इतना ही. और मार्केट्स में आज निफ्टी में रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ जो है वो हायर लेवल से हुई है. सुबह HDFC बैंक का इम्पैक्ट था वो अभी तक स्क्रीन पर विजिबल नहीं है. रिलायंस भी ऊपर से कूलिंग कूल ऑफ हुआ थोड़ा सा. खैर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नीरज हाजिर होंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके. तब तक के लिए नमस्कार.